हमारा भारत देश बहुत सारी रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है, परंपराओं के लिए जाना जाता है, त्यौहारों के लिए जाना जाता है, और हर आए दिन कोई ना कोई त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत अब हो चुकी है और नवरात्रि को सभी लोग अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ आज इस वीडियो में जुड़ी हैं बीजेपी की कार्यकर्ता और समाज सेविका सरिता मित्तल जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये नवरात्रि कैसे मना रही हैं इस बार और क्या स्पेशल कर रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आप नवरात्रि में किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं, इसको क्या उद्देश्य से आप शुरुआत कर रही हैं नवरात्रि की? क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से नवरात्रि को माना जाता है, बेटियों को, कन्याओं को पूजा जाता है, उसी देश में जो धरातल पर हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत अलग है। आए दिन अखबारों में, खबरों में हम देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, तो इस कड़ी में आप क्या करने वाली हैं इस बार नया? नवरात्रियाँ मतलब 9 दिन देवी के, और इन नवरात्रों में हम अष्टमी में या नवमी में कन्याओं का पूजन करते हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर कन्याएं सुरक्षित ही नहीं है तो उनका पूजन करने से क्या लाभ। तो इस नवरात्रि में हम शुरुआत कर रहे हैं कन्याओं के पूजन के साथ साथ उन्हें इतना सशक्त बनाएं कि कोई भी चलता हुआ सर फिरा कुछ कहे तो वो मुँह तोड़ उनका जवाब दे सकें, और जो थोड़ा सा भी अगर वो बैड टचिंग की भी कोशिश करे तो वो बच्चियाँ इतनी सशक्त हों कि उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में देना जाने। आपको क्या लगता है कि ये शुरुआत हर घर में ही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल माहौल इतना ख़राब हो गया है, हम बेटियों को घर में कैद नहीं रख सकते, बाहर जाना ही पड़ता है। हम एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि लड़कियां कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, और उसी अगर हम उनको बाहर निकालेंगे और वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा तो ये नारा ही गलत है ना, कि लड़कियों को हम ज़्यादा वो भाई मोदी जी भी दे रहे हैं, उनको आरक्षण दे रहे हैं और लड़कियां आज हर कदम में आ गए हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो इस फील्ड में काम करते हुए भी सुरक्षित नहीं है। तो हर घर में ये पहल होनी चाहिए कि लड़कियों को इतना सुरक्षित, इतना आत्मस्वावलंबी बना दें कि कोई भी उनकी तरफ बुरी नज़र उठाने की हिम्मत ना करे। लड़कियाँ तो बाहर निकलेंगी, काम भी करेंगी और वो पढ़ाई भी करेंगी, उनको हम ऐसे तो नहीं रख सकते ना घर में कैद। तो आप इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही हैं इस बार नवरात्रि में? नवरात्रियों में शुरुआत कर रहे हैं कि वो देवी के रूप की तरह रहें, वो चंडिका भी रहें, वो दुर्गा भी रहें, वो काली भी रहें। और तो सेल्फ डिफेंस का मैं इस बार कैंप लगवा रही हूँ कि लड़कियाँ अपनी सुरक्षा खुद करें, वो किसी पर आश्रित ना हों और कोई भी उनके साथ दुराचार करने की हिम्मत ना करे। मैं जानना चाहूँगी कि बच्चियाँ कितनी एक्साइटेड हैं इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर, जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से सेल्फ डिफेंस की शुरुआत सरिता मैम कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, कितना ज़रूरी है ये आपके लिए? एक्चुअली इन टुडेज़ वर्ल्ड जैसे अभी बहुत सारे केसेज हैं तो उसमें लड़कियों को अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर अपन जब तक सेल्फ डिफेंस नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो एक खुद का एक जो होता है अपन बिल्कुल अच्छे से एक कदम नहीं उठा पाएंगे। अगर अपनी अपन को अपना सेल्फ डिफेंस आता है तो अपन को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अपन हमेशा मतलब अपने जो पीपल्स हैं उनके साथ रहें, जो हमेशा साथ में रहें कि वो अपनी हेल्प कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि सुनसान रास्ता होता है जहाँ आसपास कोई ऐसे लोग नहीं होते जो अपनी हेल्प कर सकें, तो उस टाइम पर अगर अपन को सेल्फ डिफेंस आता है तो अपन जान सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, अपन को किसी और की नीड नहीं रहेगी। तो आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आएंगे इस ट्रेनिंग ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस होना एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबको ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जिस तरीके से आप आए दिन सुनती रहती हैं कि रेप की घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ, उसके लिए सोचते हुए समझते हुए सेल्फ डिफेंस को आप किस तरीके से देखती हैं? देखो, आजकल जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो तो अपन सबको पता ही है। तो मेरे हिसाब से सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बच्ची 5 साल की हो, 10 साल की हो या 25 साल की हो, कोई भी सेफ नहीं है समाज में। तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो सरिता भाभी ने कदम उठाया है, पहल की है, वो बहुत बहुत अच्छी है। मैं ये चाहूँगी कि ये सेल्फ डिफेंस आज से स्टार्ट हो गया, हमेशा के लिए रहे, सभी बच्चियों के लिए, माता बहनों सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़रूरी कितना समझती हैं आप बच्चियों के लिए ट्रेनिंग, क्योंकि आज ये पढ़ने जाती हैं, बाहर निकलती है घर से, वो ज़माना भी नहीं है कि आप इन्हें बंद कमरे में रखें। आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को किस तरीके से देखती हैं? मैं इस तरीके से देखती हूँ, देखो आजकल सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, हमारी बच्चियाँ घर में नहीं रह सकती, बच्ची बाहर पढ़ने भी जाती हैं, जॉब भी करती हैं, कोई घर में नहीं रहे, तो उनको मतलब आना चाहिए अपनी खुद की सुरक्षा वो कैसे करें, और बच्चियों को भी सिखाएं, खुद सीखेंगी तो और को भी बताएंगी, अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जो सरिता मित्तल जी ने जो ये चलाया है, ये कैंप लगा रही है ना, बहुत अच्छा है, ये बच्चियों को
मतलब खुद की सुरक्षा करने के लिए। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बातें हमारी सरकार करती है, सारे समाज सेविका और सेवक करते हैं, लेकिन धरातल पर कितना उतर पाते हैं, उन चीज़ों में आप कितना डिफरेंस देखती हैं? धरातल पे सरकार ने अपनी तरफ से बहुत पहल की हुई है, लेकिन लोग इसमें बहुत ज़्यादा जैसे जुड़े हुए नहीं हैं। जानते हैं लेकिन उससे जुड़ना नहीं चाहते। कई बार लगता है कि फालतू की चीज़ है, हम इसमें क्यों समय ख़राब करें। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, निर्भया स्काउट्स का भी लगाया है और उन्होंने जगह जगह नंबर गाड़ी दिया हुआ है कि आप इस नंबर पर कोई भी कॉल करो, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक पहल कर रही हूँ कि लोग जागरूक बने और अपनी स्वावलंबी बने और अपनी सुरक्षा खुद करें। तो ये मैसेज हर घर में सरिता मित्तल जी देने की कोशिश कर रही है और हर घर को अपने स्तर पर ये शुरुआत करनी होगी, तभी जाकर जिस नारी सम्मान की हम बात करते हैं, जिस कन्या पूजन की हम बात करते हैं, वो सार्थक हो पाएगा। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल ने जिस तरीके से हिला दिया था डॉक्टर नमिता के केस ने, उस पश्चिम बंगाल में जो देवी की मूर्तियाँ आ रही हैं वो अपने आँखों को ढके हुए आ रही हैं। इतनी शर्म और लज्जा अब उन मूर्तियों में भी साफ साफ नज़र आ रही हैं जो हमारे समाज में बेटियों के साथ किया जा रहा है। उसे बंद करने के लिए ये सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जिस दिशा में कदम सरिता मित्तल जी भी बढ़ा चुकी हैं, आप भी बढ़ाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को ट्रेनिंग मिल सके सेल्फ डिफेंस की। और ऐसे ही देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, नमस्कार।